लोग नैनीताल पहुंच गए थे मॉर्निंग में, होटल में चेक इन किया, ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा रेस्ट किया, नहाए धोए, फ्रेश हुए और रेडी होके अभी हमारा डे वन है, अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो बहुत ठंड है, पहले तो प्लानिंग थी कि कोट वोट रखेंगे नहीं, अपने समर के क्लोथ्स रखेंगे, बट ये सडन बारिश होने की वजह से हमें एक एक जैकेट रखा है। एंजल का बस एक पतला सा जीन्स का जैकेट रखा है, मुझे लगता है इसके लिए मुझे एक चीज़ लेनी पड़ेगी और मैं ये वाला कोट अपना दो तीन दिन चला लूँगी। तो चलते हैं यहाँ से नीचे। फटाफट बताओ नैनीताल में कौन सी बेस्ट घूमने की जगह है? हाँ, यहाँ के कौन कौन से साइट सीन्स हम घूम सकते हैं आप हमें बताइए। वहाँ चलते हमारे, इस वजह होटल से समोसा खाया था यार। तो ये है माल रोड, है ना, चलते हैं पहले एक राउंड लगाए। सो ये है माल रोड, बहुत ही ठंड है, बारिश होके हटी है, लोगों ने सब विंटर क्लोथ्स पहने हैं और ये सामने आप देख सकते हैं नैनी झील है। मैं क्लोजअप जाके आपको दिखाऊंगी। और ये हमारे सामने जो ये पॉइंट है, यहाँ से टर्न करके हमारा होटल आता है और ये माल रोड पे सारे होटल्स हैं, शॉपिंग के शॉप्स हैं। मम्मी ने अपना सर पे शॉल स्वेटर सब ले लिया है। इंजो को ठंड लग रही होगी, शॉप पे ना शाम को आएंगे हैं। हाँ, बड़ी सुंदर सुंदर, ये सारे कश्मीरी शॉल की शॉप है। चलो बोटिंग अभी आज तो नहीं करेंगे, कल मम्मा आपकी अपनी वो सीक्रेट चीज नहीं दिखाई। ओ माय न्यू सनग्लासेस जो मैंने लेंस कार्ट से लिए, इसका शेड है ब्लू। तो धूप तो है नहीं, पर चलो हम स्टाइल तो मार ही सकते हैं। और देखो रही यहाँ पे पीछे, आप ऊपर देखो क्लाउड दिख रहे हैं, वहाँ सामने दिखाओ। हाँ, वो सामने छोड़ो, ये क्लाउड्स। तो इतना अच्छा वेदर हो रहा है कि क्लाउड सारे नीचे तक आ रहे हैं, आप फील कर सकते हो। और ये कभी भी बारिश हो जाती है। आपको मालूम है 2019 में जब कोविड स्टार्ट नहीं होता, उससे पहले हम लोग आए थे नवंबर में नैनीताल, दो दिन के लिए बहुत ठंडी थी। डेढ़ दिन हमारी इतनी तबीयत खराब रही, मैं डेढ़ दिन होटल से नहीं निकली। तो आज मैं सोच के आई थी कि इसमें मैं एटलीस्ट कोट तो ले जाऊंगी, चाहे ठंड हो चाहे ठंड ना हो। तो पहले हम लोग निकले और हमने सारे विंटर क्लोथ्स खरीदे, उसके बाद हम लोगों ने एक दिन घूमा था। ये सामने मार्केट है, माल रोड पे मार्केट है, यहाँ पे छोटा मोटा अपना बच्चों के लिए, किड्स के लिए और वूलन्स आप कुछ भी ले सकते हो, गिफ्ट आइटम्स भी हैं। यही अट्रैक्शन होता है माल रोड पे। हाँ, ले लेना ये सारा अपना वूलन स्टोल बैग्स शॉल्स। कह रहे हैं कि इस सीज़न पूरा नैनीताल में पैक है, बहुत ही टूरिस्ट आए हुए हैं क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। तो न्यू सेशन से पहले बहुत लोग हैं जो चार पाँच दिन की छुट्टी पे आ जाते हैं। माल रोड से लेफ्ट टर्न लेके एक पैसेज है जहाँ आगे जाके गुरुद्वारा आता है और तिब्बती मार्केट आती है और मंदिर आता है और ये नैनी झील भी आती है। और जब एंजल हम पहले आए थे ना, वो ट्रॉली वाओ, पहले नहीं पे यहाँ पे ना चौपाटी लगती थी, मेरे को लगता बारिश है नहीं तो वैसे लगती होगी। चौपाटी मतलब गरम गरम मैगी, चाय, टी स्टॉल्स, ये सब का था, टीवी में भी देखा था, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। और ये है नैनी झील, ब्यूटीफुल। और ये है नैनी झील और बोटिंग के लिए भी यहाँ पे लाइन लगती है। अब इस टाइम बारिश के चक्कर में कम है रश। और ये सारी बोट्स हैं, नहीं अभी नहीं है बट अभी तो घर से निकले ही हैं। वाह, तो ये नैनी झील के ही चारों तरफ जो शहर बसा है इसी का नाम है नैनीताल। क्या बोलते हैं, तालों में ताल, नैनीताल। और ऊपर कितने सुंदर क्लाउड्स हैं, वाओ ब्यूटीफुल।
मजा आ रहा है इंजन? अब ये ठंड सही है, ये वाली ठंड सही है, जो रूम में लग रही थी ना वो बड़ी गर्मी। मजा आ रहा है ना इंजन? एग्जाम खत्म हो गए, मस्ती करने के लिए हम नैनीताल आ गए। ये बेस्ट टाइम होता है घूमने का। वेरी नाइस, क्या लाए हो? खाओ बलून। पिंक नहीं मिला? नहीं, 400 रुपए में। पांच लोग जाते हैं। ये सारी मार्केट लगती है, अभी बारिश के चक्कर में लोग बैठे नहीं हैं, जहाँ पे छोटा मोटा सॉक्स, कैप, बच्चों के टॉयज और ये गॉगल्स, ये सब चीज़ें मिलते हैं। जैसे आप दिल्ली में भी देखते हैं कि छोटे छोटे स्ट्रीट शॉप्स होती हैं, वो सारा यहाँ पे लगा रहता है, बट बारिश के चक्कर में आज लगा नहीं हुआ। फ्रूट्स वाले, भुट्टे वाले, टिक्की चाट वाले, सबके स्टॉल्स होते हैं यहाँ पे। ये एकदम नैनी झील के बाहर की तरफ है। और मम्मी ने तो अपनी बैठने की जगह ले ली, और अभी हम ढूंढेंगे मम्मी के लिए गर्मा गर्म चाय। कैसा लग रहा है मम्मी इस वेदर में? मज़ा आ रहा है? ये बेस्ट वेदर होता है मार्च अप्रैल हिल स्टेशन पे। ये सामने मस्जिद है, और ये दशहरा ग्राउंड है, और यहाँ पे स्पोर्ट्स भी होते रहते हैं। कई बार हम आते हैं, क्रिकेट के कुछ मैचेस चलते रहते हैं, फुटबॉल के मैचेस। बारिश के चक्कर में आज सब बंद है। तो यहाँ से आगे हम जा रहे हैं, क्योंकि आगे शायद हमें होटल्स मिले जिसमें हम चाय वाय पी लें गर्म गर्म। ये सारी मार्केट है, शॉप्स हैं, आप कुछ भी आके यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम सकते हो। ये नीचे बच्चों के झूलने के लिए छोटा सा पार्क है। सिंह सभा का गुरुद्वारा है नैनीताल का। अभी जब मैं अंदर दर्शन करने जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल नैनी झील के बाहर की साइड मार्केट है, और बिल्कुल वहीं पे ये गुरुद्वारा है, और ये मार्केट है सारी जिसकी मैं बात कर रही थी। तो ये सारी मार्केट है, तिब्बती मार्केट, बहुत पुरानी मार्केट है, बहुत सामान मिलता है, बार्गेनिंग भी हो जाती है, रेट्स भी अच्छे होते हैं। और ये सारा ऊपर आप देख सकते हैं माउंटेन है, और इस साइड सारे होटल्स हैं। छुटपुट अपना चाय, नाश्ता, चाट वाट आप खा सकते हो, समोसा वगैरह। तो बच्चों को भूख लग रही, देखते हैं हमें कुछ यहाँ अच्छा मिलता है, नहीं मिलता। और ये पहाड़ी कुत्ते, इन जो को बड़े सुंदर लग रहे हैं, ये बड़े फरी फरी होते हैं। ये सारा यहाँ पे विंटर वेयर मिल रहा है, जैकेट्स, कोट्स, ये शर्ट्स भी है यहाँ पे। कितना यहाँ पे विंटर वेयर है ना, कितनी जैकेट्स हैं। रेट्स तो हाई होते हैं, बट ये लोग बार्गेनिंग कर लेते हैं, आपको थोड़ा भाव तोल करना पड़ेगा। हमारे टिक्की और चने आ गए हैं विद चाट मसाला एंड चटनी दही, क्योंकि मम्मी को यही पसंद है। हमने कुछ स्नैक्स खा लिया है, और अभी स्टिल हम लोग सर्च कर रहे हैं कोई अच्छा सा चाय वाला भैया मिले, क्योंकि वहाँ की चाय मज़ेदार नहीं थी। जो ऐसे गर्म बना के देते हैं ना गैस पे, हमें वो वाली चाय पीनी है। तो आगे एक और है शॉप चाय वाली, वो हम वहाँ जा रहे हैं। नैनीताल के बारे में काफ़ी कुछ पता है मुझे। ये सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, बहुत सा कपड़ा मिलता है, आप देख सकते हो, नाइट वेयर, ड्रेसेस। कहते हैं मम्मा का कहना मानना चाहिए, हमें लाइफ का तजुर्बा है। आप सॉक्स खरीद के पहन रहे हो, जो मैं घर से लाई हूँ वो होटल में पड़ी है। हाँ, पहले आके शॉपिंग करो उसके बाद घूमो। इसने सॉक्स खरीदी फिर पहनी है, घर से लाई थी ना वो अटैची में रखी है, उस टाइम तो कहना नहीं मानती है। ये खुली मत लो, इनसे गिरोगे, छोटी ले, बहुत बढ़िया है। दिखाओ पहन के, बस और क्या,
कान भी ढके रहेंगे, ठंड भी नहीं लगेगी, ये कलर भी अच्छा है। ग्लव्स मैं लाई हुई हूँ, होटल में पड़ा है। ये हैंडमेड बने हुए जो कुछ ये कैप जैसा नहीं होता, ईयर को ढकने के लिए होता है, वो लेके पहन ली क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। ये मेरी ड्रेस के साथ मैच कर रहा है। एंजल ने पिंक लिए क्योंकि गर्ल्स को पिंक अच्छा लगता है। और वेदर इतना ठंडा हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ फ्रंट कैमरा से। ये देखो सामने सारे क्लाउड्स हैं, इतनी ठंड हो रही है, इतना ब्यूटीफुल वेदर है। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल जन्नत, ब्यूटीफुल। हिल स्टेशन घूमने का भी ना यही वेदर होता है, मेरे को लगता है फेब एंड मार्च। बस हमें टी स्टॉल मिल गया है जहाँ पे गैस की बनी हुई दूध की चाय अभी हम लोग बनवा रहे हैं। भैया कम मीठा डालना और कुछ अदरक इलायची डाल देना, थोड़ा मसाला वगैरह, थोड़ा फ्लेवर आ जाए। ठंड बहुत हो रही है और बाहर बारिश भी शुरू हो गई है, देखो कितने बादल आ गए हैं। हमारी बड़ी ही टेस्टी फ्लेवर वाली चाय रेडी हो गई है और साथ में मैं ये खा रही हूँ पंचतंत्रा। ये शॉप है जहाँ से अभी हमने बहुत सारे सूट लिए हैं, स्वंस, इनके पास पंजाबी टेस्ट के बहुत अच्छे सूट्स थे, तो मैं भी आपको रूम में जाके दिखाती हूँ हमने कौन से सूट लिए हैं। चोरी थी तो मैंने छाता भी लिया हुआ है और ये देखो मैंने सूट्स लिए, मैंने नहीं एक्चुअली मम्मी ने लिए, मैंने तो सिर्फ एक शर्ट पीस लिया है, बड़े सुंदर कढ़ाई वाला है। तो बस मैं भी रूम की तरफ जा रही हूँ और रूम में जाके दिखाती हूँ आपको। पकोड़े आ गए हैं विद ग्रीन चटनी। यहाँ पे मम्मी पूरे रास्ते में मैंने देखा पकोड़े लोग बहुत लाइक करते हैं। खाके बता बेटा, खाके बता। मम्मी को लिया, बैठी हो रही है और पुदीने ग्रीन चटनी बड़ी अच्छी है। एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे न्यू व्लॉग्स की अपडेट मिलती रहे। आज बहुत थक गए थे, बहुत ही टायर्ड है, तो शाम को फिर हम लोग कहीं गए नहीं, घर पे खाना मंगा लिया, मतलब रूम में खाना मंगा लिया। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर फ्रेंड्स, गुड नाइट ऑल, कल मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ।